थोड़ा सा फास्ट वॉक करिए। क्या नाम है आपका? बिंदिया जायसवाल। बिंदिया जी, कहाँ से हैं आप? एमपी से हैं। प्रॉब्लम आपको क्या था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में को यहाँ मतलब साइड में यहाँ दर्द होता था, यहाँ पे मोच जैसी लगती थी शुरू में, फिर ज़्यादा पेन होने लगा, फिर पेन होने लगा, ज़्यादा होने लगा। फिर हमने इंदौर में डॉक्टर को दिखाया, फिर कहाँ गए थे? इंदौर में दो डॉक्टरों को दिखाया, दो डॉक्टर। उसके बाद हम बड़ौदा भी गए गुजरात, वहाँ पर भी हमने आर्थो के डॉक्टर को दिखाया और बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको कब से हो रहा था, कब से सफर कर रहा था? जनवरी से समझ लो, जब से प्रॉब्लम होना चालू हुई थी। ये जनवरी से प्रॉब्लम चल रही थी, धीरे धीरे बढ़ती गई। उसके बाद हमने सारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया रिप्लेसमेंट के लिए। तो जब आप गए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है? ये एवियन बताया। ठीक है, तो अभी उस टाइम पे आपको कौन से स्टेज का एवियन था? उस टाइम पे राइट पैर में थर्ड स्टेज पे था। ठीक है, तो मतलब इतना टाइम लग गया आपको पता करने में कि आपको एवियन है जब आप वडोदरा गए? उसका एवियन का पता हमको मतलब कम से कम 4 महीने बाद लगा, 4 से 5 महीने बाद। 4 से 5 महीने तक ये मोच ही बना। हाँ, मोच वगैरह दर्द होता था, डॉक्टर को दिखाया था तो MRI वगैरह करी, तब हमको पता लगा कि एवियन है। अच्छा अच्छा, MP से बिलोंग करते हैं ना जी। तो बिंदिया जी, आपको हॉस्पिटल के बारे में, शिवाय हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? फिर यहाँ मैंने सोशल मीडिया यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो जब आपने फर्स्ट टाइम हमें देखा तो आपके मन में क्या आया? हमें एक उम्मीद थी, किरण जगी ऐसा लगा था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा था। सारे प्रश्न भी थे, जैसे कि किस तरीके के प्रश्न? मतलब रास्ता मिल गया, मतलब मेरे को, मतलब मैं रोज डेली रोती थी इस प्रॉब्लम से। डॉक्टर ने बोल दिया सर ये ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मतलब मैं डेली सुबह शाम रोया करती थी। और जब मैंने शिवाय हॉस्पिटल का देखा ना मोबाइल में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि मतलब जैसा जीवन, जैसा नया जीवन मिला हो मुझे, ऐसा। तो जैसे आपके हस्बैंड बोले थे प्रश्न उठे, तो किस तरीके के प्रश्न थे वो? इतनी दूर है यहाँ से, हमारे यहाँ से आपका 900 किलोमीटर है। हाँ, बिल्कुल। और उसके अलावा फिर यूपी है, यूपी में क्या अपने साथ क्या फ्रॉड नहीं हो जाए? हाँ, हाँ, इस हिसाब से। और डॉक्टरों से भी बात करी थी तो वो भी बोलते थे, बोले इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, सब डॉक्टर यही बोलते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर अभी आपका ये सेकेंड विजिट हुआ है जी, फर्स्ट विजिट आपका कब हुआ था ये बताएं? हमारा अगस्त में, अगस्त में हुआ था। तो उस फर्स्ट विजिट के बाद में आपको क्या रिलीफ मिला, सेकंड विजिट में आपको क्या रिलीफ मिला, ये बताइए आप। बहुत अच्छा लगा था, फर्स्ट में भी बहुत आराम मिल गया था, पेट में उठता था, पेट उठने लग गया है, चलते नहीं बनता था, लचक के चलती थी, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा था। तो अभी इन 2 महीने के जो रेस्टिंग पीरियड था, आपको डॉक्टर ने बताया कि डाइट और एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है, तो आपने किस तरीके से किया और कितने परसेंट किया? मैं मतलब फॉलो तो मैंने बहुत अच्छे से करा सर, कंटिन्यू किया मैंने, डाइट वगैरह। तो अभी आपको कैसा लग रहा है सेकंड ट्रीटमेंट के बाद में? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहले तो मतलब मैं आई थी ना लचका के चलती थी ना, आप तो एकदम नॉर्मल चलती होंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके हस्बैंड कुछ बोलना चाहेंगे हमारे हॉस्पिटल के बारे में, स्टाफ के बारे में या डॉक्टर के बारे में? बहुत बढ़िया है, साहब तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इलाज है जी। बिंदा जी, आप बताइए। बहुत अच्छा स्टाफ वगैरह सब, बहुत अच्छा है, तो अपने इंसान जैसे समझ के मतलब सबका ट्रीटमेंट करते, ऐसा नहीं है कि इसको करना है इसको करना कहीं नहीं, सबको अपना समझ के ट्रीटमेंट कर रहा। सर भी बहुत अच्छे है, बहुत मतलब अच्छे से बातचीत करना। अच्छा, एज अ फीमेल पेशेंट आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है आपके यहाँ, जनरल वार्ड भी बहुत अच्छा है जी, खाना वगैरह सब, कैंटीन सुविधा उपलब्ध है जी। जी, धन्यवाद। मतलब यहाँ जो भी मरीज जाता है तो अच्छे से हंसते हुए जाता है, ऐसा कोई निराश हो क्या, मतलब मैंने तो किसी को देखा कोई नहीं ऐसा है। और जितने पेशेंट में तो मेरे से राय लेते हैं ना, फोन पे भी हमसे एक दो ने राय लिया,
हमने सबको अच्छा बताया कि एक बार यहाँ आओ तो सही। मैं बहुत परेशान थी, इन्होंने बोला था कि अपन देखते ऑपरेशन करा लेंगे, ऐसा नहीं हो रहा। मैंने एक बार जाके देखे, ऐसा तो ऑपरेशन करवाना ही है अपन को, पर एक बार वहाँ भी अपना देख लेते, सब जगह तो अपन घूम लिए है। मैंने एक बार वहाँ पे भी शिवाजी हॉस्पिटल में बता देते एक बार, तो फिर यहाँ आए तो एकदम जिंदगी मिल गई कि अब ऑपरेशन की नींद रहेगी या नहीं रहेगी। अब आपको ऑपरेशन करवाने नहीं, नहीं 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 ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है ना अब। नहीं है, हम तो चाहते थे कि ऑपरेशन ना हो। लेकिन बात ऑपरेशन के लिए खर्च भी ज्यादा है जी, और यहाँ पे कम खर्च में काम हो रहा है। सर बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, मतलब जो पेशेंट भी जाते हैं ना, सर को बहुत दुआएं देते जाते हैं। और शरीर का वो जो ओरिजिनल पार्ट से जो बचा हुआ है वो भी बचा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो बिंदा जी, मैं कुछ मूवमेंट्स अब आपके देखना चाहूँगी कि मूवमेंट्स में आपके पहले से क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं जी, जो आप पहले नहीं कर पाते थे। पैर उठ पा रहा था आपका, पैर मेरा याला था। हाँ बताइए था ये। पहले चलने में कैसा होता था? पहले मैं ऐसे चलती थी, अभी एकदम बैलेंस बराबर आप? हाँ अब बैलेंस से एकदम ठीक है, दोनों पैर वेट दोनों अच्छे हैं फर्स्ट क्लास। बढ़िया। और क्या उठने बैठने में क्या तकलीफ होती थी? बैठने में भी मतलब मैं बैठ नहीं पाती थी, मैं बहुत एकदम ऐसी करके सोच समझ, मतलब बैठने में को असल बहुत, जैसे बहुत बड़ा काम करना हो ऐसे करके धीरे से ऐसे करके बैठना पड़ता था जी, ऐसा ये तो चस्के भरता था। और अब तो डायरेक्ट बैठ जाना ऐसा। फिर से उठिए, बैठिए, अब कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आप कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, पहले तो पैर भी नहीं उठता था, इसको उसे उठा के ऊपर रखना पड़ता था, अब तो कुछ भी नहीं ऐसा है। अब फाइनली मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी, जो आपके एमपी से पेशेंट्स हैं, जो डिस्टेंस का भी हमारा है कि यूपी है, डिस्टेंस है, कैसे जाएंगे, क्या कुछ सोचते हैं पेशेंट आने से, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहोगे, क्योंकि आपने ये चीज़ें फेस की हैं। तो इस चीज़ का मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा इसके लिए, सर सिर्फ सोशल मीडिया पे है, मैं ये चाहता हूँ कि सर अखबार में और इनके बैनर प्रिंट करवाए और लगवाए, और अखबार के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार हो, लोगों के मन की शंकाएं दूर हो जाए। हमने तो भूसों को मतलब बोल के रखा है, इन्होंने तो मतलब इन्होंने तो सोचा था कि मैं घर जाऊंगा ना पेपर में सर का दूंगा क्योंकि एमपी में ये पेशेंट बहुत आ रहे हैं। अभी हमको भी एक दो ने बोला था, हमने उनको बोला था एक बार जाके तो देखो, ट्राई तो करो, वो आएंगे। पेशेंट परेशान है मैडम, बहुत परेशान है, जिस पे बीतती है ना वही जानता है इसका दर्द। चलिए ठीक है, फाइनली कोई मैसेज देना चाहोगे आप जो आपके स्टेट के पेशेंट्स हैं? सर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ऑपरेशन ना करवाए, और एक बार यहाँ सर से आकर उन्नाव में मिले, एक बार मिल उनका मिलिए यहाँ पे, देखे ऑटोमेटिक उनको भी पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है। एक आखिरी रास्ता यही है। चलिए हाँ, तो अपन को ऑपरेशन तो करवाना ही करवाना, पर एक बार यहाँ आके जरूर देखे क्योंकि मैंने आजमाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिंदिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।